एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग की गुड मॉर्निंग कुछ जल्दी ही हो गई है, और क्योंकि अभी सूर्य भगवान जी जो है निकले भी नहीं है, और यहाँ म्याऊं पड़ी हुई है। यहाँ नीचे नीचे मीन्स हम लोग सबसे ऊपर हैं, छत पे हैं अपने। तो यहाँ से ये नज़ारा है हमारे छत से पूरे इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज का। और ये देखिए, ये हो रही है म्याऊं की मॉर्निंग, और ये है हमारे सूरज भगवान जो सुबह सुबह इतने प्यारे लग रहे हैं। क्यों, मेरे बारे में भी कुछ? हाँ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखो, कुछ गलत कमेंट ना करना भाई, गलत बात है। अच्छे अच्छे कमेंट करना सब लोग। और ये मूछे देखिए, नई मूछे इनकी आ गई हैं, इनके साथ म्याऊं के साथ। सो गाइज, आज हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम लोग 5:30 बजे सुबह उठेंगे। और ठीक है भाई, सुबह 5:30 बजे उठेंगे? सोए कब से पहले ये बता। आज हम लोगों ने पूरी रात जो है पिक्चर देखी है। भाइयों, इंस्पायर होना है तो हम लोग से हो, ठीक है? घर वाले डांट रहे थे कि सुबह सुबह जो है ना सनसेट लिया करो, तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सनसेट लेने के लिए हम लोग सोए ही नहीं। अभी 5:30 बज रहे हैं, हम लोग सूरज देवता को देख रहे हैं, अब हम जाएंगे सोने। ये लॉजिक है हमारा। अपनी सुबह हम लोगों ने खुद की है। और इनकी सुबह देखिए, इनकी सुबह देखिए, इनकी सुबह ऐसे होती है। तो गाइस, हम ऊपर आए ही हैं तो अपना गार्डन भी आपको दिखा देते हैं। गाइस, ये है हमारा छोटा सा गार्डन। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना आप सब। और बहुत सारे पेड़ पौधे मैंने लगा रखे हैं। ये है बैगन का पेड़, वो है संतरे का पेड़, और बहुत अच्छा लगता है। और ये फूल का है, ये सारे फूल के हैं। अभी मैंने ऊपर कुछ लगाया नहीं है, अभी लगाऊंगी। ये देखिए, प्यारा सा फूल खिला भी हुआ है, और इधर भी लगे हुए हैं सारे। कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। और इधर भी हैं बैगन के फूल में, तो मतलब बैगन के पेड़ में तो फूल भी आ गए हैं। ये देखिए गाइस, इतने सुंदर सुंदर फूल आए हैं। फल भी आ जाए तो मज़ा ही आएगी। ये है मेरा अमरूद का पेड़, ये है नींबू का, और वो है मिर्चे का। ये लगा रखा है मैंने पालक अपने बच्चों के लिए। और इधर लगी है धनिया, छोटी छोटी धनिया। ये मिर्ची के पौधे उग रहे हैं, ये करी पत्ता, ये भी पालक वो है बैगन, और ये प्यारा सा गुलाब का पेड़। ये मॉर्निंग एक्सरसाइज हो रही है हमारे भाई की, और ये ईंटे के साथ खेल रहा है कि एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताना ज़रूर कि क्या कर रहा है। वैसे मुझे तो नहीं समझ में आ रही है क्या कर रहा है। मैं ग्रिप टाइट कर रहा हूँ, ग्रिप टाइट कर रहा है। और इनको देखिए, इनको देखिए, ये महारानी ऊपर बैठी हैं, ऊपर बैठी हैं, इनको कोई जगह नहीं मिली है, मेरे नेट को ख़राब कर रही हैं वो, देखो। तुम्हारी मॉर्निंग तो यार 6 बजे हुई थी, ब्रश हो रहा है कितने बजे? मॉर्निंग हुई है 6 बजे और ब्रश हो रहा है 3:30 बजे। और ये मैक्स बैठा है यहाँ पे, इसकी खातिरदारी ले रहा है। तो गाइज, कल पता नहीं कैसे ये मेरा बच्चा जो है कॉकटेल का बेबी है, उसके आँख में चोट आ गई थी, वो पूरा ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया था। तो कल उसको मेडिसिन वगैरह दिया है और लगाया भी है। और क्या लगाया जाता है मेडिसिन में आपको बता दूँ, मैं बीटाडीन यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है पैरट्स के लिए। ये देखो, मैक्स देख रहा है उसको, प्यारी कर रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, चलो अभी इसको ऊंचे में रख देते हैं मैक्स को, ठीक है? हाँ, ऊंचे में रख देते हैं वो, जिससे कि आराम से रहे, ठीक है? ये एक सोना मोना के केज के ऊपर रख देते हैं। हाँ, तो ये आराम से इसने अभी रख दिया, मैंने इसको अलग कर दिया कि और बर्ड्स इसको परेशान ना करें गाइस, जिससे कि इसका घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैक्स, ए मैक्स, तुमने खाना खाया?
ये इनका खाना निकला हुआ है, खाना खाने जा रहे हैं। और स्नोई वहाँ है, स्नोई ने भी खाना खा लिया है, सफाई वगैरह भी हो गई है गाइस। तो ये हमारे काज केज की भी सफाई हो गई है, अभी खाना पानी नहीं लगाया है जाम वाला, वो भी लग जाएगा। और अंदर सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये माया आंटी लड़ाई कर रही हैं, ये बहुत लड़ंकीन है, और एक मेरा पति उससे बड़ा लड़का है। हाँ बिल्कुल सही बात। और आप बताइए, तो ये लड़ाई तो गाइस चलती रहेगी, हम लोग आगे का काम निपटाते हैं अपना। क्यों मैक्स नोई, मैक्स बड़े गौर से देख रहा तुम लोग की लड़ाई को। हिसाब क्लियर हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं कितने, 6:30 और अपन दोनों आए हैं ऊपर वीडियो बनाने। बट सामने इतने लड़के खड़े हैं गाइस कि हिम्मत नहीं बढ़ रही अभी वीडियो बनाने की। और ये म्याऊ हम लोग के साथ घूम रही है यहीं पे, और मगर यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये हमारे छत, सबसे ऊपर वाली छत का नज़ारा है जो आपको दिख रहा है। और सामने ही इधर आगे जा कर के शंकराचार्य टेम्पल भी है, आलोपिन मंदिर है, उधर बहुत कुछ है, नया पुल है, पीछे यूनिवर्सिटी है। तो मेरी छत से सब कुछ दिखता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।